आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता एम्पायर को हम देख रहे हैं, अभी तक हमने चंद्रगुप्त वन, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद फिर सर चंद्रगुप्त टू, इन सबकी बायोग्राफीज को खत्म कर लिया और भी काफी कुछ हमने देखा था, तो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इसके बाद दो लेक्चर और आएंगे, एक तो ये पार्ट थ्री है, और उसके बाद एक पार्ट फोर जो कि प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर की बात करने वाले हैं, तो देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक पेज, वैसे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के बाद ही आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, बट शायद मैं आपको चार, जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे, चारों पार्ट ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएंगे, तब एक साथ ही प्रोवाइड करा पाऊंगा। फिर भी आप नजर बनाए रखिएगा, sender_eConnect के नाम से पेज है और मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, तो दोनों ही जगह आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर पीडीएफ ले सकते हैं और अपडेट्स भी पा सकते हैं। भैया खजाना लाया हम 22,500 रुपए में यूपीएससी का कॉम्प्रीहेंसिव प्री प्लस बेस पेन ड्राइव कोर्स, आज ही स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या फिर नंबर्स पे कॉल करें। साथ ही साथ सारे एग्जाम्स के कॉम्प्रीहेंसिव पेन ड्राइव कोर्स हम लेके आए हैं, इनको अवेल करिए, वेबसाइट और नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए तीसरी बार जरा हम एक बार मैप देख लेते हैं, और ये फाइनल बारी मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, इसके बाद हम मैप नहीं दिखाएंगे, और आई होप अब तक तो आपको रट भी गया होगा, बाहर मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है। तो इस अच्छे मौसम में बारिश हो रही है, हम जरा देखते हैं इस मैप को, भैया फ्लड ना आ जाए मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। वैसे केरल में जो बाढ़ आई है उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा सहानुभूति, जरूर डोनेट करिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो ये आपका मैप रहा, ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा इन्होंने एम्पायर रूल किया है, और ये आप जो डार्क ब्लू में देख रहे हैं ये चंद्रगुप्त वन ने जीता था, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, उन्होंने ये पूरा का पूरा जीत लिया था, और फिर अल्टीमेटली चंद्रगुप्त टू ने इसको एक्सपैंड किया। तो ये पूरा का पूरा इनका एम्पायर था, एम्पायर बिल्डिंग इन्होंने शुरू की, एक्सपेंशन शुरू किया। श्री गुप्त ने बेसिकली सबसे पहले कुषाण वंश के फ्यूडेटरीज थे, सहायक स्टेट थे, क्योंकि मौर्यन के बाद आपको पता ही 185 BC में बृहद्रथ आखिरी थे किंग, उसके बाद बिल्कुल एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया, फिर उसके बाद कोई था नहीं, 240 में फिर एडी में बता रहा हूं 240 एडी में फिर गुप्ता वंश आया, और वहां से श्री गुप्त आए, फिर घटोत्कच आया, लेकिन जो अल्टीमेट रूलर हैं 319 एडी में जो आए, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। तो इन्होंने ही एक्सपेंशन का पूरा काम शुरू किया, और फिर सबसे पहले उन्होंने बिहार के रीजन को ऑक्यूपाई किया, उसके बाद लिच्छवी प्रिंसेस ज्योति कुमार देवी उनसे शादी की, उनके बेटे फिर आए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने फिर फर्दर पूरा साउथ तक एक्सपैंड कर दिया, कविताओं के बहुत बड़े फैन थे वो, बड़ा उनको पसंद था कविताएं लिखना भी और बोलना भी, ठीक है, और पढ़ना भी। तो उसके बाद उनको कविराज इसीलिए कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गजब के मिलिट्री जीनियस, पॉलिटिकल जीनियस माने जाते हैं वो, बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेट थे, हर दिशा में उनकी अलग अलग नीतियां थी, ये उनका सबसे बड़ा काम था। और फिर चंद्रगुप्त टू आए, नवरत्न के बारे में हमने पिछली बार देखा था, तो पिछले लेक्चर्स, पिछले जो दो पार्ट आए उनको जरूर देखिएगा, और आज हम बात करने वाले हैं फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर और जो आखिरी के दो सबसे बड़े राजा आए थे, वैसे तो काफी राजा आए थे गुप्ता के, ठीक है, आखिरी के, लेकिन जो दो सबसे बड़े राजा थे, एक थे कुमारगुप्त, 1414 एडी की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है, यानी कि आज 2018 चल रहा है, तो आज से लगभग 1600 साल पहले की बात है ये, ठीक है, तो 414 की बात हो रही है, तो 414 से 455 एडी का इनका रूल था। कुमारगुप्त वन आए थे ये, ठीक है, बाद में कुमारगुप्त टू भी एक थे, लेकिन वो इतने काबिल नहीं थे। इनकी योग्यता आपको पता है क्या है, कुछ भी नहीं, जीरो, हाँ, इन्होंने कोई एक्सपेंशन नहीं किया, ठीक है, इन्होंने कोई नए राज्य नहीं जीते, इन्होंने कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं, मतलब जीता नहीं इन्होंने, जैसे समुद्रगुप्त धरणी बंद के तहत चल रहे थे, धरणी बंद मतलब ये अर्थ यूनिवर्सल रूलर, चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया को, पूरी धरा को मैं जीत लूंगा, धरणी बंद, लेकिन कुमारगुप्त ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका योगदान नहीं रहा, इनको शक्रदित्य या फिर महेंद्रादित्य भी बोला जाता था, सबसे बड़ा इनका योगदान यह था कि इन्होंने इतने बड़े एम्पायर को संभाल के रखा, इन्होंने मेंटेन करके रखा, इन्होंने पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा, अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, बुरा नहीं था, लेकिन इन्होंने नए साम्राज्य नहीं लिए, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी भैया इन्हीं की ही रेन में बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी बता दूं, ठीक है, रिस्टोर करने में इनका बहुत बड़ा काम था, ठीक है। तो काफी वास्ट एम्पायर जो चंद्रगुप्त टू छोड़ के गए थे, गुजरात, साउथ, नॉर्थ, इन सबको संभालने का काम कुमारगुप्त ने किया, ठीक है। अश्वमेध सैक्रिफाइसेस भी इन्होंने परफॉर्म किए, ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन मिलिट्री सक्सेस, जैसा कि हमने बोला कि एक्सपेंशन इन्होंने इतना ज्यादा नहीं की, बस ये है कि जो छोड़ के गए थे उनको इन्होंने अच्छे से संभाला।
455 एडी तक इन्होंने रूल किया, लगभग लगभग 39 से 40 साल तक इनका रूल था, और उसके बाद आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त बहुत ही अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे। स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी चीज ये है, इन्होंने सुदर्शन लेक को रिस्टोर किया था। देखिए सुदर्शन लेक की स्टोरी बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले अशोक, फिर रुद्र द्रमन वन, उसके बाद फिर आपके ये स्कंदगुप्त, ठीक है। इतने लोगों ने सुदर्शन लेक पे काम किया, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक थी भैया। झीलें वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दर्शनीय तो होती हैं, सीनरी का तो काम करती ही करती हैं, साथ ही प्यास भी बुझाने का काम अच्छे से करती है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी फ्रेश वाटर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वैसे कौन सी है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसी बात पे, ठीक है। तो इन्होंने सुदर्शन लेक को रिस्टोर कराया, लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई इनकी रेन में, हुन इन्वेजन। हुनों ने इन्वेड किया था भारत को भैया। सेंट्रल एशिया की बड़ी खतरनाक ट्राइब मानी जाती थी ये। इन्होंने खाइबर पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पास था, मुझे पता नहीं कि इसको बंद क्यों नहीं करवाया। सारे के सारे जो एंट्री हुई है ना, ये खाइबर पास जो कि समय पाकिस्तान में है, माउंटेन पास है ये, ठीक है। बीच से एक रास्ता गया हुआ है माउंटेन से, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है, तो वहां से सब लोग इन्वेड करते थे। अरे उसी समय यार काम खत्म करना था, तो आज हमारी हिस्ट्री कुछ और ही होती, लेकिन खैर जो है सो है। इफ्स एंड बट्स का हिस्ट्री में बहुत ध्यान रखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत सारे लेक्चर्स में इफ्स एंड बट्स को काफी महत्व दिया जाता है, और देना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, इस पर्सपेक्टिव में भी आपको सोचना है, ठीक है। तो क्या है कि वो खाइबर पास से इन्होंने एंट्री ली थी, और स्कंदगुप्त के रेन में, जो कि तुरंत ही कुमारगुप्त के बाद 455 एडी में इन्होंने सत्ता संभाली थी, वहां से आए थे। और गुप्ता के फॉल का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था हुनों का इन्वेजन। जीत गए थे, बिल्कुल सही बात है, स्कंदगुप्त ने हुनों को हरा दिया था। स्कंदगुप्त ही विनर थे, आसानी से, मतलब आसानी से तो नहीं, लेकिन हरा दिया था इन्होंने, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी थी, अच्छी खासी इनके पास, गुप्ताओं के पास आर्मी थी, और इतना आसान नहीं था, इसीलिए तो इतने सालों तक इन्होंने राज्य चलाया है। आर्मी का जबरदस्त इसमें रोल था, ठीक है, तो इतना आसान नहीं था, लेकिन स्टिल बहुत बड़ा आघात करके गए थे। इसलिए गए थे क्योंकि हुनों ने पूरी तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स को हिला दिया था। जो हम ट्रेड एंड कॉमर्स रोमन एम्पायर के साथ करते थे, वो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन एरियाज पे अटैक किया था हुनों ने, जहां से जो ये रूट था बेसिकली। साथ ही साथ इसके इन्वेजन के बाद काफी रूलर्स ये जान गए थे कि गुप्ता एम्पायर को जड़ से हिला जा सकता है, और अगर हम कोशिश करें तो इनको हरा सकते। तो सबसे बड़ा कारण ये था कि हुन इन्वेजन के बाद इंडिपेंडेंट रूलर्स उठ खड़े हुए, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। और उसके बाद फिर इसके बाद जो रूलर आए थे स्कंदगुप्त के बाद, इन दोनों का कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं इस पर डिस्कस करूंगा। पुरुगुप्त आए थे, जो कि कुमारगुप्त के बेटे थे, उनका भी बहुत ज्यादा रूल नहीं था। फिर उसके बाद नरसिम्हगुप्त बालादित्य आए थे, फिर कुमारगुप्त टू आए थे, और अंतिम विष्णुगुप्त थे। इसके बाद कोई खास आए नहीं, और फिर ये जो डायनेस्टी थी पूरी डिक्लाइन में चली गई। तो 240 एडी से लेकर 590 तक ये डायनेस्टी सस्टेन की, और उसके बाद वैसे तो 550 के बाद ही फॉल इसका होना शुरू हो गया था, और सही बोलूं तो 470-80 के बाद ही इनका फॉल होना शुरू हो गया था, जैसे ही हुनों ने अटैक किया था। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल डायनेस्टी हट गई, और हुनों ने लगातार इन्वेड करते रहे, तो बड़ी मुश्किल भी हुई थी, इतना आसान नहीं था इनको सस्टेन करना। और फाइनली फिर जैसा कि मैंने बताया कि इतने कोई महान रूलर नहीं आए थे, ये लेगेसी जो है आगे के रूलर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये चीज थी, 550 एडी तक इनका रूल था, लेकिन 590 तक एक्सटेंड किया जाता है। फाइनली हम फॉल को देखते हैं। फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर क्यों था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सबसे बड़ा था हुनों का इन्वेजन। हुनों ने जो इन्वेड किया था पूरी तरह से मतलब कमजोर कर दिया था। बार बार हुन्स जो थे वो जाते थे इन्वेड करते थे, जाते थे इन्वेड करते थे। तोरामाना, मिहिरकुला, इनकी रेन में भयंकर तरीके से इस ट्राइब ने तहस नहस मचा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर पावर कर लिया, इनको हराया। लेकिन इसके बाद होता है ना कि अगर कोई भी अटैक होता है तो जो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं वो भी अपनी आंख दिखाने लगते हैं। तो जब ये डायनेस्टी, जब बहुत पावरफुल रूलर नहीं आए, ठीक है, और जो भारत में उस समय रूलर्स थे उनको लगा कि अब ये डायनेस्टी हिल रही है, तो इंडिपेंडेंट जो इनके अंडर थे रूलर्स वो आजादी की मांग करने लगे, बोले कि हमको इंडिपेंडेंस दो, और इन्होंने अपने सर उठा लिए। समुद्रगुप्त के भी दौरान यही एग्जैक्ट यही चीज हुई थी। चंद्रगुप्त वन की जब मृत्यु हुई थी,
उसके बाद बहुत सारे रूलर्स ने अपने सर उठा लिए थे कि हमको तो आजादी चाहिए, लेकिन समुद्रगुप्त ने साम दाम दंड भेद सबको साफ कर दिया, नॉर्थ साउथ सब जीत गए, ये बात के लोग नहीं कर पाए, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द लार्ज आर्मी स्टिल दे वर नॉट एबल टू डू इट, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसके बाद एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, और सबसे बड़ी चीज जो पूरा का पूरा ट्रेड और रिलेशंस था जिससे गुप्ता एम्पायर बहुत फ्लरिश हुआ, भैया इतना सिल्क, हमारे यहाँ जो मसाले उगते हैं, हमारे जो ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, मैंने बताया था ना 35% तक कंट्रीब्यूट करता था भारत वर्ल्ड की जीडीपी में, पूरी दुनिया में इसका मतलब भारत ही भारत, इसीलिए तो सोने की चिड़िया बोला जाता है। और ये गुप्ताओं ने, मौर्य ने स्पेशली, मैं मौर्य को स्पेशली बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ा काम किया भैया मौर्य ने, ठीक है। और उसके बाद फिर गुप्ता है, गुप्ता ने इसको एक स्टेप और आगे ले गए, फिर उसके बाद और ये किंगडम बढ़ा, फिर जब इन्वेजन शुरू होता है पूरी की पूरी तरह से लूट लिया गया, और फिर ब्रिटिशर ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऐसे हुई है भारत की, और ये इसलिए क्योंकि हम कभी भी यूनाइट नहीं रहे, अगर हम एक होते तो हमको कोई भी आंख नहीं दिखा सकता था, और आज हम सबसे बड़े साम्राज्य के तौर साम्राज्य होते और उसके तौर पे अपने आप को स्थापित कर लिया होता, लेकिन जो है सो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो जो सेंटर्स थे जिसमें नासिक आता था, पाटलिपुत्र, मतलब भाई महाराष्ट्र, बिहार और पूरा यूपी, वहां से ट्रेड जो है बहुत जबरदस्त तरीके से डिसरप्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब लग्जरी गुड्स हैं, ये सिल्क जो है बहुत ही मुश्किल से उगाया जाता है, कॉटन बहुत ही मुश्किल से उगाया जाता है, ये आइवरी और पर्ल जो मोती हैं, हीरे हैं, ये सब बहुत मुश्किल से, बहुत ही ये नायाब नगीने होते हैं और इतना आसान नहीं होता है। तो जब ये बाहर नहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी, अल्टीमेटली इकोनॉमी टंबल करेगी, और यही हुआ गुप्ता एम्पायर के साथ। अटैक होता है, कहीं पे भी अटैक होता है, कहीं पे भी युद्ध होता है, तो इकोनॉमी तो बिल्कुल गिरी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। बादल बहुत तेजी से गरज रहे हैं वैसे, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या हुआ, एक चीज और बताना चाहूंगा, गुप्ता में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी, लैंड ग्रांट्स, जो अगेन सबसे बड़ा रीजन बनी। लैंड ग्रांट्स था क्या, फ्यूडलिज्म की यहां से स्थापना हो गई थी, मैंने पिछली बार आपको थोड़ा सा समझाया था, ठीक है। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, लैंड को ग्रांट करना, अगर आपके पास सैलरी नहीं है तो मैं आपको लैंड दे दे रहा हूं। भैया गुप्ता भी इसी लैंड ग्रांट की ही वजह से पावर में आए थे, श्री गुप्त को अच्छा खासा लैंड ग्रांट मिला था। तो क्या था कि ये जमीन को देते थे, ये भू को दान करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, इसमें रिलीजियस सेरेमनीज के लिए लैंड, जो भू को फ्री में दान दिया जाता था। दूसरी चीज क्या होती थी कि क्या थे कि कुछ क्षेत्र जो थे वो बहुत दूर थे, मतलब राजाओं की वहां तक पहुंच नहीं थी, ठीक है, उनके अंडर में आते थे लेकिन वहां तक पहुंच नहीं थी, तो राजा क्या करते थे, जाओ उतनी दूर है तुमको ग्रांट में दे रहा हूं मैं, ठीक है। वहां से स्थापना हुई सबसे खतरनाक चीज की, जिसका उपयोग बहुत ही अच्छे से ब्रिटिशर्स ने किया अपने साम्राज्य को बनाने के लिए और अपने आप को ताकतवर करने के लिए, फ्यूडलिज्म। और ये आज भी बहुत ही ज्यादा एक, मतलब क्या कहते हैं कि ये बन के बैठा हुआ है, फ्यूडलिज्म एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, ठीक है। सामंतवाद होता है, फिर ऑफिसर्स इसको देखने के लिए अपॉइंट किए जाते थे, तो जब लैंड ग्रांट्स होते थे इनको देखने के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, सामंतों को अपॉइंट किया जाता था। ये सामंत क्या करते थे, धीमे धीमे अपनी आर्मी बना लेते थे, राजा को कुछ नहीं पता होता था, फिर राजा से बोलते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं बल्कि बाद में, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारी आर्मी है, हमारे पास लैंड है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये अपने आजादी की मांग करने लगते थे कि हमको आजाद करिए, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन पिसता था, आम लोग, अमीर अमीर लोग इन लैंड पे कब्जा करके बैठ जाते थे, इन ग्रांट्स को छीन लेते थे, या फिर इनको ग्रांट्स में भी मिलता था, बैठ जाते थे, और इसमें आम लोगों की खैर नहीं, ठीक है, वो तो कहीं आते ही नहीं पिक्चर में। ब्रिटिशर बहुत सारे चीजें लाई, बार बार अपने लॉस को मॉडिफाई करती रही इसी फ्यूडलिज्म को बरकरार रखने के लिए, महलवाड़ी सिस्टम लेके आई, रोतवाड़ी सिस्टम लेके आई, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट लेके आई, बार बार इस सिस्टम को मॉडिफाई करती रही कि फ्यूडलिज्म जो है वो खत्म ना हो। पैसा बहुत ज्यादा बनता है ना फ्यूडलिज्म से, भैया जमीन से पैसा बहुत बनता है, ठीक है। तो ये लैंड ग्रांट जो थे ये बहुत बड़ा कारण बने। इसमें क्या होता था कि देखिए, एक इसमें और भी चीज है कि टैक्स में इसमें रिडक्शन होता है, आप फ्री में लैंड दे रहे हैं, ठीक है, देखिए टैक्स उसमें लगना नहीं है। अगर लैंड पे टैक्स नहीं लगना है तो टैक्स में गिरावट आएगी, देयर विल बी द रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो क्या होगा,
आप टैक्स लेंगे नहीं, आपकी इकोनॉमी गिरेगी। यही गुप्ता के साथ हुआ और यह चीज वो समझ नहीं पाए शुरू में, ठीक है। यही फ्यूडल डेवलपमेंट्स ने एक बहुत बड़ा ये कारण है कि गुप्ता का फॉल इसी ले लिया। दो तरह के लैंड ग्रांट्स होते थे, एक तो रिलीजियस ग्रांट्स होते थे, अश्वमेध यज्ञ करा दिया, ये कोई बहुत बड़ा यज्ञ करा दिया तो ब्राह्मण ये सब बड़ी बड़ी रिलीजियस सेरेमनीज कराते थे, उनको फ्री लैंड, फ्री में जमीनों के भूदान दिए जाते थे, फ्री में दिए जाते थे। दूसरे होते थे राइटर्स, मर्चेंट्स को दान देते थे, सेक्युलर्स पार्टीज को दान देते थे, कोई टेम्पल को अगर बनाना है तो दान देते थे, तो इस रिलीजियस सेरेमनीज के लिए फ्री में लैंड दिए जाते थे, फ्री में जमीनों को दिया जाता था। लेकिन बाद में ये बहुत बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। इनके लिए तो इनके लिए भी प्रॉब्लम बनी और आगे फिर ये कंटिन्यू होता गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब हम आते हैं मिलिट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पे हम इतनी बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन मैंने उस पर एक सेपरेट लेक्चर किया है। गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन सेम था, कट कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। बस फर्क क्या था, गुप्ता के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, मौर्यन के पास बहुत लार्ज आर्मी थी क्योंकि उनका एम्पायर बहुत बड़ा था, और गुप्तास के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, लेकिन तब भी मिलिट्री बहुत बड़ी थी गुप्ताओं के पास। इनके जो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहां पे डेवलप होगी वहां मिलिट्री डेवलप होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, सब कुछ डेवलप होगा। चंद्रगुप्त टू के पास नवरत्न थे, समुद्रगुप्त के पास भी अच्छे खासे साइंटिस्ट थे, 110% आर्ट, आर्किटेक्चर, मिलिट्री डेवलप होनी होनी है। इन्होंने नए नए वेपन्स इन्होंने इजाद किए, ठीक है। इनके पास बैम्बू घास से बने हुए इनके पास बोज एंड एरोज होते थे, धनुष बाढ़ होते थे, स्टील के बने हुए धनुष बाढ़ होते थे, छोटे होते थे, बहुत ही जबरदस्त आघात करने वाले। साथ ही साथ इनके पास गजब की इन्फेंट्री थी, पैदल सेना इनके पास बहुत ही बढ़िया थी, कैवलरी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। घुड़सवार अच्छे थे लेकिन बहुत ज्यादा इनके पास घुड़सवार नहीं थे। वॉर एलिफेंट भी इनके पास अच्छी खासी मतलब रिजर्व्ड में सेना थी और काफी आघात करने में सक्षम थी। समुद्रगुप्त ने इसी के ही बल पे मिलिट्री का एक्सपेंशन समुद्रगुप्त के रेन में बहुत ही जबरदस्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह के थे, स्टील वो होते थे, ठीक है, और इतने खतरनाक ये होते थे। स्टील कितना जबरदस्त एक एलॉय होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बर्तन स्टील के होते, टूटेंगे नहीं, ठीक है, धरती सड़ जाए लेकिन ये नहीं टूटेंगे, ठीक है, धरती खत्म हो जाए ये नहीं टूटेंगे। तो स्टील बहुत ही एक सख्त एलॉय होता है और वो पेनिट्रेट कर सकता है, तो इनके जो बोस थे वो स्टील के बने होते थे, ठीक है। तो ये चीज थी मिलिट्री के पास, जैवलिन, शील्ड, सारे के सारे तलवार सब कुछ होता था जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, ठीक है। तो ये, और सबसे बड़ी बात भैया, एक डिसिप्लिन आर्मी थी इनकी, बहुत ही वेल डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन होती थी, कहीं अटैक करते थे तो जीत के वापस आते थे, ठीक। मिलिट्री सक्सेस के कारण इन्होंने इतना खासा एक्सपैंड किया और आप ये देख सकते हैं नंबर्स बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर है। 500,000 इन्फेंट्री थी भैया, 50,000 कैवलरी थी, 20,000 घुड़सेना, पैदल सेना 500,000, घुड़सेना 50,000, 20,000 रथ थे इनके पास, 10,000 एलिफेंट्स थे, बाप रे, और 1200 से ज्यादा शिप थे। इन्होंने तो सबकी बैंड बजा दी कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो अचीवमेंट देख लेते हैं, नवरत्न जो थे वो गुप्ता पीरियड में थे। साइंस एंड टेक का शायद सबसे ज्यादा अचीवमेंट इन्हीं के ही रेन में हुआ है। पूरा सोलर सिस्टम पूरा खोज लिया गया था, रोटेशन ऑफ अर्थ बता दिया था कि कितना टाइम पीरियड होता है, एक साल में कितना टाइम पीरियड होता है, आर भट्ट ने जीरो को खोज लिया था, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इन सबको प्रूव कर दिया गया था। ये थी हमारी साइंस जिसको पूरी तरह से बाद में यूरोपियन ने ओवर पावर कर लिया, आके उन्होंने सीधा हमको गरियाना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से था। कालिदास एक बहुत ही महान पोएट, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम और उनकी और भी जो पोएम्स है वो तो वर्ल्ड में गिनी जाती हैं, इतना जबरदस्त मास्टरपीस है, ठीक है। तो ये चीज है। संस्कृत कोर्ट लैंग्वेज थी, सुश्रुत संहिता एक बहुत ही जबरदस्त ये कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें आयुर्वेद मेडिसिंस, आज तो आयुर्वेद का प्रचलन बहुत अच्छा है, ठीक है, काफी ये बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से ही निकला है। तो आयुर्वेद मेडिसिन का बहुत ही इफेक्टिव यूज, जिसमें सर्जरीज भी शामिल था, वो गुप्ता पीरियड में हम ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर फर्दर जो है चेस यहां से ही डेवलप हुआ था, ठीक है। तो ये चीज बहुत जबरदस्त, इंडिया का न्यूमेरिकल सिस्टम था। और अगेन जो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है, सेक्सुअल टेक्स्ट है, ये बहुत फेमस हुआ। आर्यभट्ट पे भी मैं सेपरेट लेक्चर लेके आने वाला हूं बहुत जल्द,
आर भट्ट भैया, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, जीरो को इन्वेंट कर दिया, बहुत ज्यादा जोक्स भी इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो बेसिकली इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इंडियन मैथ्स, इंडियन साइंस, इंडियन पोएम्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सबका डेवलपमेंट इस रेन में हुआ। तो गुप्ता पीरियड को इसीलिए गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोला जाता है, मौर्यस को भी बोला जाता है, लेकिन गुप्ता पीरियड भी कम नहीं था, ठीक है। हम अगले लेक्चर में देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पे बात करेंगे, और ये फाइनल लेक्चर होगा, उसके बाद फिर हम इस सीरीज को, गुप्ता सीरीज को वाइंड अप करेंगे, और उसके बाद अगले राजा की तरफ बढ़ेंगे। कौन? हर्षवर्धन तो नहीं, मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर दीजिएगा, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज को अवेल करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा भैया, ये चीज जरूर कर दीजिए, गुरु दक्षिणा होती है हमारे लिए।